चलिए वेलकम है आप सभी का। अंपायर कंफर्म करके कितने ओवर का मैच है ये? छह ओवर, ठीक है। सिक्स प्लस सिक्स ओवर से गेम, छह प्लस छह का मुकाबला, चार गेंदबाजों का इस्तेमाल, दो गेंदबाज दो ओवर, दो गेंदबाज दो दो कबड्डी गेंदबाजी करेगा। बस वे फिर मुकाबला था ये। कोई टीम टॉस नहीं करवा दी थी मोनू भक्त लेकिन उनकी निकली है उस मुकाबले के लिए। छह प्लस छह का मुकाबला है, छह ओवरों का मुकाबला और फील्डिंग बिल्कुल लग चुकी है विकेट कीपर। आप देख सकते हैं मोनू खान को विकेट कीपर के साथ नूरुद्दीन खान, तलहा खान एक नौजवानी को भट्टा हुआ सितारा नगर बताने के लिए पहली गेट के साथ तैयार। ब्लेन डिलीवरी को भूम कर खेला है और वहां पर एक रन पूरा कर लिया है और एक ही रन वहां पर मिलेगा। गौर कर रहे दोनों बल्लेबाजों ने अपनी क्रीज अपने छोर को बदल लिया, एक के साथ शुरुआत हुई है। छोरों का ये मुकाबला पीछे जो बाउंड्री है जहां पेड़ है वहां सिर्फ दो रन है, वहां से लड़ने के बाद अगर गेंद कैच होती है तो कैच नहीं होगा, बाउंड्री से जाती है तो छोड़ जाएंगे। लेफ्ट आर्म ओवर का विकेट की मारी कर रहे हैं के लिए इस बार घूम कर खेला है। अंपायर के इशारे का इंतजार कर रन डिक्लेयर कर लिया गया पिछले आउट से थोड़ी सी खराब इस दो के साथ स्कोर पहुंचा तीन। फर्स्ट प्राइज बाइक, सेकेंड प्राइज बाइक, मैन ऑफ द सीरीज बाइक, ये तीन बाइक का ये बड़ा टूर्नामेंट अपनी एक अहमदनगर क्रिकेट प्रतियोगिता का आज तीसरे दिन का दूसरा मुकाबला। तलहा को दूर भागते हुए लेफ्ट आर्म ओवर का विकेट प्रदीप यादव को बिल्कुल लेकिन मल्ले और गेंद का संपर्क बहुत अच्छी तरीके से नहीं हुआ, एक रन दर को पूरा किया है एक के साथ स्कोर चार पर। अगर प्रदीप यादव का विकेट तलहा देते हैं तो जायका फैमिली दरबार जायका फैमिली ढाका की तरफ से उनको दिया जाएगा। इस बार क्या शानदार फ्लिक कर दिया है के ऊपर, ये लगा छह रन पहला छक्का इस मुकाबले का। इस छह के साथ रजीत का स्कोर हुआ आठ सात और टू का स्कोर प्रदीप के साथ भागता खुदता हुआ दस रन पर कहा कि आंकड़ों में प्रवेश कर सकता तथा ऑन सेकेंड लेफ्ट आर्म this time good delivery pitching outside the off end middle and Ferrer coming back sharply a natural swing from the left hander all ends up to the wicket keeper Mohru Khan doing the rest of the formality 10 without that that's been a kisi wicket ke nuksan par uske baad jo muqabla ho raha legends mau legends mau ka muqabla ho raha legends jo ke chale chaliye cover karte rahiye kaan cover karte rahiye सोलह रन एक ओवर की समाप्ति के बाद बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक घुटनों के बल बैट करते हुए उसको स्विंग कर दिया जो स्क्वायर लगा और मिड साइड के ऊपर से दूर दर्शक दिए जाने शेयर के लिए। इसी के साथ पहला ओवर खत्म हुआ है और एक ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है सोलह। कई बहुत बड़ी बड़ी टीमें आ रही है इस मुकाबले में, बहुत बड़े बड़े स्टार्स आपको खेलते हुए देखेंगे आज इस टूर्नामेंट के साथ। अगर आप देखें तो कामरान खान, आईपीएल प्लेयर प्रदीप यादव, रवि बनासी, रंजीत यादव, अमन यादव, लक्की ओसामा पांड्या, शहनाज लक्की, सलमान मिर्जा, बुमराह, रिंकू यादव, विनय ये प्लेइंग है उत्तम इलेवन की और आइए लगवा सराय के लिए मोनू इमरान नीर बेन आमिर एक बार से तैयार है ये घूम कर चलने की कोशिश ये डिस्टम के बाहर वहां पे लेकिन अंपायर का इशारा और जीत का आमिर ने यहां के बाजी की शुरुआत की है। कलहा मुअज्जम सैफ विक्की ताहिर फजल जाकिर ये प्लेइंग लिस्ट है आज प्लेइंग इलेवन की लिस्ट में दो आमने सामने कौन
जीतेगा ये मुकाबला, जो जीतेगा इसका मुकाबला अगली टीम, पहला मुकाबला जो जीतेगा अगली की टीम उसके साथ खेला जाएगा। आगे राइट हैंड ओवर का विकेट फिर से लेकिन बाहर आते हुए गए, उसको फ्लिक करने की कोशिश जरूर की लेकिन अंपायर ने इशारा कर दिया है कि एक और वाइट बॉल का विकेट पूरा कर लिया है। थोड़ी सी मुश्किल फंबलिंग विकेट कीपर के साथ, दो रन के साथ स्कोर 19-19 उसका भी लगन प्रयागराज का ये मुकाबला। और मैं देख रहा हूँ कि इस टूर्नामेंट के साथ जुड़े हैं चीफ जस्टिस मेरा अरुण केशरवानी जी कौशाम्बी और उत्तम चौरसिया जी प्रयागराज, आपका शुक्रिया। इस बार अपने का शानदार इस्तेमाल देखो ड्राइव कर दिया है बिल्कुल सीधे बैट से पहले के 20 से गेंद तक पूरे सीधे मैदान के क्षेत्र में एक रन के लिए। अगर आमिर प्रमुख का विकेट लेते हैं सलमान नेता की तरफ से 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। कौन सा ड्राइव कर रहे हैं इस बार फिर से घूम कर खेलने की कोशिश की है, बल्ले का मिलन अब तक नहीं हो पा रहा है। प्रदीप यादव का ये होम ग्राउंड और इस होम ग्राउंड पर देखिए दर्शकों की तादाद देखने के लिए आई है अपने चुनते खिलाड़ी को। कामरान खान इस टीम का हिस्सा है, ओसामा सांगिया है, शहबाज मैक्सी, रमन यादव लड्डू, उस चार सिपाही है सभी ये टीम उस बार और पुस्तक के बहुत ज्यादा बहुत अंपायर सुनील का इशारा ये वाइट विकेट का एक के साथ स्कोर 21-20 का बहुत ही खुशी के साथ उस टूर्नामेंट को समाया कामरान खान और उनके तमाम साथियों ने। एक बार फिर तैयार और ये तीन अंपायर का इशारा नो बॉल का, लेकिन क्या गजब की ये गेंद थी बिल्कुल यहां से ओवर स्किप करते हुए पहली ही इशारा निकला ये और सुबह का शोर अपने खिलाड़ी की हौसला अफजाई करता हुआ ये कमेटी बॉल के सामने खड़ा होकर बैठ जाए। बहुत अच्छी गेंदबाजी आमिर की 22 रन। चलिए अगली गेंद होगी फिर वही अपने लाइन सा की गेंदबाजों के साथ पिछली गेंद को गोल किया था ये अगली थी यार जबरदस्त गेंदबाजी आमिर कर रहे हैं। दो गेंदों पर दो बार गोल कर दिया दोनों पर आउट नहीं हुए हैं बच गया दोनों बार कर दे जाकर बड़ी अच्छे की तैयारी है उसको अभी भी निकल गया है 23 रनों पर दूसरा ओवर चल रहा है। आमिर शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं थोड़े से चेंजेस कर रहे हैं दर्शकों ने कहीं ना कहीं साथ दिख रहा है रणजीत यादव दो छक्के लगाए थे पिछले ओवर में तैयार आगे कुछ बार बल्ला जरूर चला है अच्छी गेंदबाजी चल रही है आमिर की तरफ से लगातार वही ब्लॉक हॉल में गेंदबाजी एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 24 रनों पर इस मुकाबले को जीतेगा वो अगले राउंड में प्रवेश करेगा उसका मुकाबला आज ही खेला जाएगा क्वार्टर फाइनल और रोज टीम को जारी सेमीफाइनल में आने उत्तम रन के साथ राइट हो गया बल्कि अंपायर क्रॉस किया और इस बार बल्ले के कनेक्शन लाजवाब शानदार जबरदस्त देखो देगा है नई विकेट के लेकर 6 रन के लिए पीछे के साथ स्कोर 30। इसी गेट का इंतजार कर रहे थे ये इनका स्ट्रांगेस्ट रन है इस गेट पर गेट मिलती है तो फिर दर्शक भी जाने जाती है लेकिन लाजवाब गेंदबाजी आने की दो बार आउट करने के बाद भी और कमान मैं की तरफ से यह आमिर की शानदार गेंदबाजी के 200 रुपए का इनाम आया है फिर से गेट को लाया है लेकिन इस बार एक रन मिल जाएगा वहां पर एक ही से दो बल्ले बाद हल्की सी मिस हुई है दूसरा भी पूरा कर लिया और इस दो के साथ और किसी भी मांग करने को मना कर दिया शानदार गेंदबाजी थी हालांकि विकेट नहीं लिया लेकिन दो बार लगातार प्रदीप यादव का जरा बोल कर रहे हैं तो शानदार गेंदबाजी है कोरोना समाज कोरोना सुना स्कोर 32 कामरान खान साहब की तरफ से 200 का इनाम आया है खिलाड़ी का हौसला जारी किया गया शानदार गेंदबाजी अपने की है दो ओवर में 32 आमिर के लिए आया है ये इनाम कामरान खान का साहब की तरफ से शानदार गेंदबाजी का दो ओवर 32 अब कौन करेगा गेंदबाजी मेरे दिन खान सा आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए ये होम ग्राउंड पर कितना फायदा उठा पाएगी टीम दर्शकों से
पूरा ये क्रिकेट का ग्राउंड भरा है, चारों तरफ दर्शक उस मुकाबले के हिस्से ले रहे हैं। सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है इस शानदार मुकाबले के लिए, उस बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए। पूरे दिन तरीके के साथ इस बात में जिस तरह पूरी के मना कर दिया लेने के लिए अंपायर का सेवन लगाया कि वह बाइक हो जाएगी इस एक रन के साथ स्कोर कभी कोई नाम कैची चलो पर पहुंचता हुआ जगह स्कोर में स्कोर। पूरे दिन एक बार से बहुत अच्छी गेंद पार अल्लाह गौर से चला गया। बहुत बड़ी कमाई हो सकता है कल इस बॉल बॉल के साथ स्कोर रखा हुआ कभी कभी कैची चलो चार खिलाड़ी बिल्कुल तैनात है लगभग लगान मिडविकेट फाइनल स्क्वायर लेग बाहर लेग स्टंप पर आते हुए गेंद को वाइड के साथ इशारा अंपायर कर रहा है फाइनल के ऊपर फ्लिक करने की कोशिश जो उन्होंने पहले ओवर में की थी। इस ओवर अभी भी रुका हुआ है 34 बार से चला खून करते हुए भी कोशिश अच्छी गेंदबाजी अच्छी खासी उछाल प्राप्त कर रहे हैं इस विकेट से। अच्छी खासी उछाल लेती हुई गेंद कैरी कर रही थी विकेट कीपर के पास, संतराती हुई गेंद फिर बजाती हुई गेंद निकल रही थी। तैयार मेरे दिन विकेट के साथ और ये एक हाथ से कैच किया गया है लाइन नाम लिखा लीजिए 1200 का चार के लिए इंतजार कर रहा है नाम लिखा दीजिए। यह राम मंदिर की तरफ से क्राउड कैसे अगर एक हाथ से आप करते हैं तो आपको फाइनल वाले दिन आना पड़ेगा, 1 किलो का अचार आपको मिलेगा। नाम बता दीजिए किस गांव से है आप बता दीजिए। राहुल गलीपुर बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनल के दिन हमारे आपको 1 किलो का अचार मिलेगा, आप बैठ के उसको खाइए दाल चावल के साथ। बैठ गए आप लोग आगे से भैया आगे से बैठ जाइए जाइए थोड़ा सा दूसरा लगातार शक्ति के साथ स्कोर पहुंचा 46। शानदार बल्लेबाजी चल रही है ऑन सेवन लास्ट फॉर आवर एंड सम डाउन ओवर द कमांडर फॉर द दैट्स नंबर 6 बैक टू बैक फॉर सिक्स ऑफ द ओवर नाउ विद द सिक्स स्कोर 52 पावनजा तीसरा लगातार शक्ति और जिनका इंतजार जिनकी रील समय देखते रहते हैं इसका ग्राम तो उस खिलाड़ी का भी आगमन हो चुका है। 1:47 अंकित मौर्य मध्य प्रदेश स्वागत है नगरासराय में। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 58 आगे क्या कुछ होगा ये बताने के लिए मैं चाहूंगा हमारे साथ प्यारे से कमेंटेटर प्यारे फिर से आए कैलाश पठान। 3 ओवर 58 शुक्रिया चौथे की बाजी में जो है इस वक्त और ये हमें और ये अंकित जीता हुआ पहले निकलता पता रहता हुआ पंद्रह प्यारे के रूप में आगे के रूप में मई के पास का यहाँ पे इस्तेमाल किया था अब बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हो कामरा खान अपने होम ग्राउंड पर ये वो जगह है जहां से निकल के मैंने सनराइज के लिए मैंने समय कर दिया है। मैं चाहूंगा आप लोग बार जेदार तालु लगाइए आप लोग एक बार आप लोग जेदार तालु लगाइए कामरान खान प्रदीप यादव का बड़ा विकेट दिया है और पहला विकेट निकाल के दिया है आगे में रंजीत यादव और कामरान की जोड़ी अब मैदान पर अपने होम ग्राउंड पर जिनके साथ ये खेलते हैं आगे तो कामरान खान पहली ग्रीट आप इस सबसे थोड़ी सी बाहर अपील कर रहे हैं वहां पे लेनू खान लेकिन लगा रहे हैं अंपायर ने स्कोर अभी भी 58 पर रुका हुआ चौथा ओवर ये प्रगति कर 6 ओवर का ये मुकाबला 4 बॉलर का इस्तेमाल आगे को कामरान खान इस बार तो वाइट वाइट के बिल्कुल करीब ये गेंद की थी आगे ने
खुली आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज ने एक रन पूरा किया। इसी के साथ स्कोर कर चुका है 61 रन। बहुत ही शानदार ये मुकाबला चलता हुआ। पिछले ओवर में गुरुदीप के लगातार चार छक्के लगाए रन जीत लिया मैंने। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी चलती हुई। अमन जा रहे थे लेकिन उनको रोककर कामरान खान बल्लेबाजी करने के लिए गए। ये इनका होम ग्राउंड है, यहाँ से निकल कर उन्होंने आईपीएल का सफर तय किया है। अरे भाई कम से कम आप लोग पाने लगाइए। छह गेंद पे लगातार छह छक्के क्या बल्लेबाजी चलती हुई। इसको कह चुका है 71 रन। रंजीत यादव कामरान खान की जोड़ी मैदान पर। पिछले ओवर में गुरुदीप को चार गेंद पे लगातार चार छक्के लगाए थे रंजीत यादव ने। पहला विकेट जरूर गिराए और अपनी पिक्चर भी मुकम्मल की रंजीत यादव ने। अगली गेंद आमिर की रंजीत यादव के लिए। खिलाड़ी जिसने पिछले चार पांच सालों में अपने नाम का सिक्का जमाया है। क्या शानदार ये बल्लेबाज मैदान में आगे रहता हुआ। अस्ताबाद स्पोर्ट जबर एशियन स्पोर्ट्स के माध्यम से जुड़े तमाम दर्शकों का वेलकम कर रहे हैं। लाजवाब ये मुकाबला चलता हुआ। लेफ्ट और राइट अग्रसर अभी भी मैदान पर देखने को मिल रहा है। बल्लेबाजी करने के लिए ज्यादा नारिशाई पे मौजूद है। कामरान खान उत्साहित हो रही चार वर्ष बात हो चुकी है। पाजी करने के लिए आ रहे पाजी अपने कोटे का पहला तीसरे कोटे का पांचवा रन। उत्साहित हो रहे कामरान खान पहली टीम जी रही है सीधे फाइनल के एरिए में। कई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं है और ये गोल निकल जाएगी पार्टी आगे आज चार रन उत्साह के साथ स्कोर पर चुका है 75 रन। पांचवा रन ये प्रगति पर क्या लाजवाब बल्लेबाजी चली है। टीम के ओवर से जो शुरुआत की थी रंजीत यादव ने आदि के ओवर में दो लगातार छक्के लेकिन उस ओवर में काफी कुछ किया है। आगे दो बड़ी विकेट निकाली है। आदि शब्द से बाहर की टीम वाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर सलीम का उस वाइट के साथ एक और जुड़े हुआ स्कोर बोर्ड के ऊपर। इसी के साथ स्कोर कर चुका है 76 रन। कामरान खान और कोसाबा की जोड़ी इस वक्त मैदान पर। ताहिर अपने कोटे का पहला टूटते कोटे का पांचवा विकेट कीपर के रूप में मोदू खान खिलाड़ियों के साथ जब आप शामिल खेलते हो तो आपको सीखने को मिलता है। आपको आने वाले वक्त में आने वाले भविष्य में आप किस प्रकार से ये सारी चीजें का सामना करेंगे। कामरान खान और ये मेरे जाएगी पॉइंटी लाइन के बाहर छह रन एक और मैक्सिमम दो गेंदों पे लगातार छक्के उसमें पांडा पांडा अंपायर क्या लाजवाब बल्लेबाजी करती हुई। खान सरफराज देखते हैं भाई कल हो सकता है आए सरफराज खान। लेकिन उसके बाद ये एक और बढ़िया स्ट्रोक हमने देख तीसरा हैट्रिक सिक्स चौकों की हैट्रिक होती हुई ये देखिए कुछ तो मिला है गेम।
बल्लेबाजी चल रही है ओसामा की तरफ से। एक चौथा स्कोर हो चुका है 101 रन। चार गेंदों पे लगातार चार छक्के, पहली गेंद पर तीन रन लेकर सिक्स, दूसरी गेंद पर पांच रन की दिशा में सिक्स, तीसरी गेंद पर लगातार चार छक्के, चौथी गेंद पर मिडिल गेंद पे चार छक्के, चार गेंदों पे लगातार चार छक्के। ये दूसरा 360 रन वाले खिलाड़ी है, हर दिशा में साथ कराते और उनका खेल देखने के लिए दर्शक आज मैदान पर जुड़े। 5 रन 101 रन और मात्र 2 विकेट लिए है। रंजीत यादव और प्रदीप यादव की जो जोड़ी सलामी जोड़ी मैदान पर गई थी, वो सलामी जोड़ी को थोड़ा सा आगे में प्रदीप यादव ने एक या दो सिक्स लगाए, रंजीत यादव ने बेहतर प्रदर्शन किया है। उसके बाद ओसामा पांड्या यादव ये कोटेटा को सात टीम के कोटे का लेकर आए। ये लास्ट ओवर आमिर पहली गेंद का सामना किया कामरान खान ने, हर बिहार से फिर घर की कर आसानी के साथ पूरा किया है। इसी के साथ स्कोर को चलिए रियल्स बनाइए फटाफट जल्दी जल्दी। ओसामा पांड्या बिल्कुल फॉर्म में है, हिलम में नजर आ रहे, हर दिशा में शॉट करा रहे, जितना ज्यादा उनको स्ट्राइक की जाएगी उतना ज्यादा फॉर्म आएगा। दूसरे की दूसरी गेंद ओसामा के लिए, तेज रफ्तार की गेंद कंधे का बढ़िया इस्तेमाल, हल्के हाथ से खेला, हालांकि पैसे पे गए थे, विकेट में फंसे खेलने का प्रयास किया था। इसी के साथ स्कोर पहुंच चुका है 103 रन। हमारे साथ कमेंट्री बनेंगे साथी कमेंटर के रूप में तालिक जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत आवाज के माध्यम से लगातार तीसरे दिन के मामले से जुड़े हुए आज हमारे का वेलकम कर रहे हैं। इसीलिए ये तो बहुत दूर गया भाई, हाथे में चला गया। सही था आमिर के काल को तमाशा कर दिया है कामरान खान ने। ये जानते हैं आमिर को, ये आगे आमिर कौन सी गेंद करने वाले मेरे साथ में ड्रॉप से आगे के ऊपर आगे चलते हैं। अगर कामरान खान लगातार तीन छक्के लगाते हैं तो भीम सिंह राजभर की तरफ से 500 रुपए का इनाम आएगा। एक सिक्स आ चुका है, अभी भी दो सिक्स बचे हैं, बाहर बाहर का इशारा आता हुआ और उसको इस वक्त पहुंच चुका है 112 रन। अभी भी तीन गेंदों से इशारे का मैक्सिमम, भीम भैया अपना पैसा तैयार रखिए, अभी भी दो गेंदे एक सिक्स की दरकार है। ठीक है ठीक 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 दो गेंद एक सिक्स, अगर एक छक्के लगाते हैं तो भीम से डायगर साहब जो घरेलू टीम के कैप्टन है उन्होंने 500 रुपए देने का ऐलान किया है। आगे कुछ सोचिए अपने खिलाड़ी के बारे में, आगे को कामरान खान और ये हवाले को हवाले को हवाले को और ये चलिए 500 बच्चा हुआ भीम से डायगर साहब का। ये काफी निर्भरता थी कि अमन अभी भी अपने पार्टी का इंतजार करते हुए और वहां साहब से कुछ बता के आ रहे हैं। इमरान खान अपने वक्त में बहुत ही बेकार खिलाड़ी थे, इनका दौर न करता था, जब ये खिलाड़ी मैदान से आता था तो ये सिर्फ से बातें करता था, कैसरत से बातें करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से इन्होंने क्रिकेट को छोड़ा। अभी भी लगातार मैदान से जुड़े हुए इमरान तक अपने वक्त के बहुत ही शानदार खिलाड़ी बना दिए थे और जब ये बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे तो देखने को मिलेगा। अब बल्लेबाजी करने के लिए अमन स्कोर को इस वक्त स्कोर के ऊपर पहुंच चुका है, ताली ताली बताएंगे 118 रन 118। अभी भी संभवता मात्र एक गेंद बची हुई है, एक गेंद बची हुई है। आमिर अपने कोटे का प्रयोग दो सात के कोटे का लास्ट लास्ट के होगी बात हो सकी है, हालांकि अपने दोस्तों का बढ़िया इस्तेमाल किया था, जूस से लड़ाई का इस्तेमाल किया था। एक आसानी के साथ 119 बने 130 का टारगेट है। मैं चाहूंगा कि उत्तर एलेवन प्रयागराज तरफ फिल्म लगा लो, उत्तर एलेवन प्रयागराज तरफ फिल्म लगा लो और टीम एक रन साहब है 118 बने 119 का टारगेट है, 119 का टारगेट। छह बने छह ओवर का मुकाबला पानी और क्या लाजवाब बल्लेबाजी के लिए सलामी जोड़ी जो गई थी मैदान पर रंजीत यादव और संदीप यादव। भैया आप लोग बैठ जाइए प्लीज, मनु भाई जहाँ गए भी हो मनु खान साहब वहां जाए,
या तो कदम की बात यहाँ से थोड़ा सा आगे करके या इन लोगों को बता दिया जाए, क्योंकि यहाँ से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कम कम कमरा ये कमरा का आग्रह रहता हुआ मैदान पर आज सुबह भोर में 5 बजे का आग्रह हुआ है कमरा जाते हुए मैदान के ऊपर साइलेंट का टारगेट मिला है इस मुकाबले को जीतने के लिए। कोई हल्का खिलाड़ी नहीं है और बल्लेबाज में आशीष बल्लेबाजी जी का वहां से आवाज तैयारी में है। ये देखो बताओ कौन सा हल्का प्लेयर है, कोई हल्का प्लेयर फिर से स्वागत है इस शानदार मुकाबले में। 119 का टारगेट इस मुकाबले को जीतने के लिए और डॉक्टर अरुण केशरवानी जी के साथ प्रीमियर लीग के आयोजक हमारे साथ मेहमान खास आम देख लो भाई, जिसको आम देखना है पेड़ में देख ले, सामने है मौजूद है। मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और सामने उत्तम चौरसिया जी प्रयागराज आपका दिल की गहराइयों से मोस्ट वेलकम किया है कामरान खान और उनके तमाम साथियों ने। आमिर आमिर इमरान भाई स्ट्राइक पे है। के साथ रंजीत यादव के साथ शुरुआत कर रहे हैं और अगर नगरासराय की ये टीम जीतती है तो नितिन चौहान जी की तरफ से 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो इतना इनाम लगाया है लेकिन बहुत बड़ा टारगेट है 119 रन बनाने हैं। ये इमरान खान पहुंचे बल्लेबाजी के लिए, आपने उनका दौर देखा होगा, बहुत शानदार ये क्रिकेटर रहे हैं और आज फिर से अपने होम ग्राउंड से वापसी की है उस बड़े मंच पर। सभी लोगों का एक बार फिर से पूरा स्वागत, मैं हूं अशोक अहमद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में। हेलो भाई, स्कोर बता दिया जाएगा आगे से कई लोग खड़े कमेंट्री का खोल कर स्कोर ओवर के बाद स्कोर बता दिया जाएगा। बल्लेबाजी के लिए इमरान खान का विकेट गिरा है और रंजीत को पहला विकेट बड़ी गति दे गया है। अभी तक खाता नहीं खुला है टीम का और 0 के स्कोर पर पहला विकेट। टीम होगी उसका मुकाबला जो खेला जाएगा, जो पहला मुकाबला आज रहा
इस मैच के बाद उनका मुकाबला होगा, जो टीम विजय रहेगी उसका मुकाबला। और छोटे समय के साथ जो मालिक कर रहे हैं लोगों को बार अच्छी बिल्कुल जाकर इस बार जो विजय गई है बन जाएगी, वो कम बनाते हुए बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। क्या ये चार ओवर या फिर रन को शॉर्ट कर दिया गया जायका फैमिली ढाका की तरफ से लगातार तीन छक्के रन शॉर्ट कर दिया गया। और आगे की जोड़ी पहुंची वाले मुलाजिम के लागू में कच्ची अंदराज है कसारा पांड्या। चार लगातार सक्रिय लगाए रंजीत यादव ने, छह लगातार सक्रिय लगाए एक जगह नहीं है। और इस मुकाबले में बहुत बड़ा स्कोर 119 रन बनाने से इस मुकाबले को जीतने के लिए जहर अतीक अहमद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट कामरान खान साहब के वही तो मोहतरम का है नाम पर यह टूर्नामेंट जो दूसरा सत्र है इस बार हुआ। छक्के के साथ स्कोर पहुंचा 8। ये पारी का दूसरा ओवर चल रहा है, इसके बाद का मुकाबला जो होगा वो विजय टीम। अगर मोहन खान लगातार तीन छक्का लगाते हैं तो मोहन खान साहब की तरफ से 1000 रुपए का लाभ है। इस बार जो क्या निकाला है फाइनल के एरिए में 2 रन के लिए अभी से उसमें रन जा रहे हैं जहां 119 रन बना रहे हैं 20 रन हर ओवर में चाहिए जो मुश्किल काम है लेकिन आने की नहीं है। जब तक मोनू खान दिखते हैं कुछ भी हो सकता है, बहुत ही जबरदस्त ये बल्लेबाजी करते हैं। इस बार अच्छी के बाद सब आते हुए और सत्रह बड़े स्टेट खेलने की कोशिश हो रही थी। रवि भाई आएंगे हो चुकी है और इसके कारण है बस मोनू खान का भाव लगातार बढ़ा गया। सुजीत शान की तरफ से उनके हर छक्के के 200 लगातार छक्के के 2000 मुरुद्दीन खान की तरफ से मोनू खान की हर 3 लगातार छक्के के 2000 तो बहुत सारे इनाम लगाए जा रहे हैं मोनू खान के ऊपर और ये टीम डिपेंडर है यहाँ से मोनू खान के ऊपर। 2 ओवर में 10 रन बने हैं लगातार 3 छक्के के 2000 मोनू खान के लिए तो कुल 6 से 10 हजार रुपए का इनाम आ चुका मोनू खान के लिए। रंजीत यादव बल्लेबाजी के लिए आए, बल्लेबाजी बहुत बाजबाज की आज आज विश्व बनाया बने तीसरे बल्लेबाजी के टूर्नामेंट में अल्तमश नेशनल स्पोर्ट अहमदाबाद के लिए कैसे यादव भी यह शरण करा आश्रम लगाएगा और ये गोल चलिए वापस आएंगे मोनू खान बड़े इनाम लगाए गए थे लेकिन आज काम नहीं आया उनकी बल्लेबाजी इतना बड़ा टारगेट होता है तो फिर हर गेंद को मांगी लगाने की जरूरत होती है। बल्लेबाज पहुंच रहे हैं बल्लेबाजी के लिए सचिन
एक ऐसा नाम है क्रिकेट की दुनिया का जिसने लोगों ने क्रिकेट खेलना शुरू किया, क्रिकेट देखना लोगों ने पसंद किया। और अब यहाँ से देखा है सचिन कैसे बल्लेबाजी करते हैं, 10 रन स्कोर पर 119 के जवाब में सचिन पहुंच रहे हैं। रहीम अतीक अहमद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में जमा सराय मऊ दूसरे एडिशन का यह तीसरा दिन, फर्स्ट कैप्टन को बाइक है, सेकंड कैप्टन को बाइक है, मेरा टूर्नामेंट बाइक और बहुत ही बड़ी खूबसूरत सी ट्रॉफी। दूसरा लगातार विकेट रंजीत यादव को तीसरा विकेट मिला है, अब शतक भी बनाया और जेस भी बल्ले का कमाल कर रहे हैं। यही होता था जब आप ऑलराउंडर होते हैं तो फिर कहीं कहीं टीम को फायदा होता है। जो कल इसके बाद क्वार्टर फाइनल मुकाबला जो होगा वो जबरदस्त होगा, ऐसे होने चाहिए। जो बल्ले के साथ भी काम करें, गेंदबाज के साथ भी काम करें, पूरे दिन भर वो हैट्रिक बचाई और जिसको निकाला है उसके आगे के तरफ। और वो बॉल नहीं है, ये गेंदबाजी लाइन के बाहर चार है, कुछ चार के साथ खाता हो रहा है नूरुद्दीन खान का, चार के साथ स्कोर पहुंचा है 14 रन। अगले मुकाबले के लिए टीम में गर्मी लोगों तैयार रहेगी टॉस के लिए, क्योंकि मौसम भी आज थोड़ा सा खराब है और उसके बाद तो मुकाबला भी बड़ा लगना पड़ने वाला है। इस बार अच्छी है पाने के बाद अंदर की तरफ आई, कुछ करने की कोशिश में बाहर बल्लेबाज है, लेकिन ये बल्ले का कोई संपर्क नहीं, जो सिकंद की टीम का है। कुशल पांडे ने लगातार चार छक्के लगाए, रंजीत यादव ने लगातार छह छक्के लगाए और 10 छक्के लगे 10 के अंदर 119 का एक बड़ा टारगेट है। बाहर सही पास कर लेते हैं, क्या शानदार अंदाज में ड्राइव कर दिया है, ऑन द ग्राउंड में पहुंचे हैं स्लीपर कवर बाउंड्री पर और बढ़कर जो बल्लेबाजों ने एक रन और पूरा कर लिया, एक के साथ इसको रखकर गया। तीसरा ओवर जो चल रहा है रीडर जो होगा इस मुकाबले का, इसका मुकाबला इस बार फिर से कोई पास जो मिली थी आने में स्कोर खेला है मैदान पर, अगर भी क्रिकेट क्रिकेट को ड्राइव करते हुए शायद ये सीमा पार के लिए जा सकती थी। एक के साथ स्कोर पहुंचा 16, 3 ओवर की समाप्ति के बाद और अगले 3 ओवर में 103 रन चाहिए और क्या ये बनेंगे नहीं बनेंगे ये बताने के लिए मैं जो लोग अपने साथी कमेंटेटर सैयाज पठान हूं। तीन ओवर समाप्त हो चुका है, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है मात्र 16, अब यहां से 18 गेंदों से सलमान मिर्जा बुलाया जा रहा है कि पासी करने के लिए। इस टाइप पर आगे पहली गेंद कप्तान के साथ डॉगी, चौथा ओवर ये प्रगति पर चीफ अलग चीफ का ये मुकाबला था, टॉस जीत कर बैटिंग करने का जो फैसला किया है वो अभी तक सही साबित होता हुआ कि हवा में गेंद उसके नीचे खिलाड़ी और विकेट करा दिया, आदिल के रूप में इनका विकेट गिरता हुआ। अब सिकंद आदिल जा रहे बल्लेबाजी करने के लिए, बल्लेबाजी के लिए रंजीत यादव, प्रदीप, कामरान खान और सबसे शानदार बल्लेबाजी की अलसामा ने चार लगातार छक्के लगाए थे और साथ ही साथ अगर रंजीत की बात करें उन्होंने अपनी 50 पूरी की है, उसके बाद उनकी चौथी 50 पूरी की है रंजीत यादव ने। चौथा बल्ले प्रगति पर सलमान मिर्जा को लाया गया जो बाजी करने के लिए, अब यहां से मात्र और कार्यक्रम बाकी रह गए इस टूर्नामेंट की।
रवैले के कप्तान आ जाए, एक रवैले के कप्तान आ जाए, ये दूसरा लगातार ये छक्का ही आचार की जंग। और इसमें खुद और यहाँ पे दर्शक आपस में टकराए, रवैले का कप्तान आ जाए, क्रॉस कर लिया जाए रवैले के कप्तान, इस मैच के बाद उनका मुकाबला खेला जाएगा। ये तीसरा लगातार छक्का, ये अच्छी खबर रही है मेरे दिल खान ने, कमरान खान के तीन लगातार छक्के, शानदार बल्लेबाजी, तीन लगातार छक्के लगा दिए हैं, फिर से इस बार घुमाने की कोशिश की थी। और इस तरीके से इस बड़े मुकाबले के साथ मैं देखता हूँ कि उमर भाई राजा पुरुष रावत जो 23 नवंबर से एशियन ग्रीन सिटी टूर्नामेंट करा रहे हैं, ऑल इंडिया होते हैं 16 टीमों का मुकाबला, जिसमें फर्स्ट प्राइज 3 लाख, सेकेंड प्राइज 2 लाख, ये और टाटा पावर हाउस सरायवीर फूलपुर में आजमगढ़ में टूर्नामेंट खेला जाएगा, जिसके आयोजक हैं उमर भाई राजा पुरुष रावत, जो लगातार लाइव तरीका से जरूर जुड़े हैं कमरान भाई को हवा का देखकर शानदार टूर्नामेंट कराने के लिए। 23 नवंबर को 16 टीमों का यह मुकाबला होगा, 3 लाख फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज 2 लाख। टीम कैप्टन बदली, टीम कैप्टन बदली आ जाए आकर पास वाले, टीम कैप्टन बदली तुरंत आ जाए पास करवा ले, ये मुकाबला बड़ी आसानी के साथ जीत लिया है। चलिए मिलते हैं, आने का जाए दूसरों का नाम का